हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन सीखो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इज एम आर जो कि दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर लोगों देखा गया है कि इनका प्रयोग करने में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, दोस्तों इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं तथा उसके बाद घंटी के बेल आइकन को तो जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों आपको कुछ ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज और गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों इज एम आर का प्रयोग, दोस्तों अंग्रेजी भाषा में इज एम आर का प्रयोग आसान वाक्य बनाने में किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग वर्तमान काल यानी दोस्तों प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने में किया जाता है, जब दोस्तों वाक्यों के अंत में हूँ, हैं, हाँ आदि आते शब्द आते हैं तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस होता है और वहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ आपका इज का प्रयोग किया जाता है तथा बाकी सिमिलर जो पर्सन होते हैं उनके साथ भी इज का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों मैं ले लेता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं के दोस्तों आई होती है, आई के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब एम आती है, तो दोस्तों यहाँ पे आई एम, उसके बाद दोस्तों एक डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर मतलब ए डॉक्टर, तो दोस्तों यहाँ पे बन जाएगा आई एम ए डॉक्टर। दोस्तों इसमें समान शब्दों में जो बोलते हैं तो इसमें दोस्तों एपोस्ट्रॉफी एम भी लगा देते हैं जिसका मतलब होता है, जैसे यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल दिया है मैं एक डॉक्टर हूँ तो यहाँ पे आई एपोस्ट्रॉफी एम ए डॉक्टर, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसको आई एम अ डॉक्टर पढ़ेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ लिखा है हम बहुत गरीब हैं, वी एपोस्ट्रॉफी आर ई वेरी पुअर, तो दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे वी आर वेरी पुअर। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा आपको कुछ परिवर्तन चेंज नहीं करना है इसमें दोस्तों, बस आपको सिंपली जो आप उसमें दोस्तों आपको नॉट लगा देना है, जैसे दोस्तों आई के बाद मैंने एम हेल्पिंग वर्ब लगाई थी तो इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको नॉट लगा देना है, जैसे दोस्तों मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ तो आई एम नॉट आ डॉक्टर। इसी प्रकार दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहती है इज एम आर इनको दोस्तों वाक्यों के अंत में रखते हैं, जैसे दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण ले लेते हैं, क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे एक गलती किया गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया। दोस्तों जब भी इस प्रकार के सेंटेंस दिए रहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ दोस्तों आपको पता हो कि एम एम का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे एम का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, इसके बाद आई आ डॉक्टर, एम आई आ डॉक्टर, इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आप एक नीचे जो लास्ट सेंटेंस दिया, यहाँ दोस्तों यह जो यह का प्रयोग है ये पेन के लिए किया गया है, पेन एक निर्जीव वस्तु है, तो दोस्तों यहाँ पे इट के साथ हमेशा इज है, सिंगुलर नंबर है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, इज इट योर पेन। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और एक लाइक तो जरूर मारें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।